सलामैकम मैं हूँ मुख्तार अहमद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ और आज हम अपने लेक्चर नंबर थर्टी सेवन के साथ आपके साथ हैं तो आज का सेशन शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ क्या आपने ये टॉपिक पहले पढ़ लिया होगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से हो सके तो लेट्स इट टुडेज सेशन And that is our lecture number 37. So तो सैतीसवा लेक्चर शुरू करने से पहले let me ask you very frankly, how are we doing? Doing? कैसे चल रहा है ये चीजें समझ आ रही हैं जस्ट यू आर टेकिंग इट इज अर रूटीन वर्क एंड एज आई से डूरिंग प्रीवियस लेक्चर टू नाउ यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स लेक्चर आइज एंड टुडे वी आर हेयर फॉर थर्टी सेवन तो हमारा मैक्सिमम कोर्स तो कवर हो गया एक दो बेसिक टॉपिक रहते हैं वो इनशाला साथ साथ कवर कर लेंगे एंड नाउ एट दिस पॉइंट आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई होना चाहिए और इवन कुछ लोग अगर आपसे पूछना चाहें पढ़ना चाहें तो यू शुड भी वेरी मच कॉन्फिडेंस का यस आई कैन डू इट तभी तो बात बनती है ना वरना तो फिर देट देट mean. सो इसी उम्मीद के साथ कि आपने चीजों को समझा हुआ है और आप साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 37 शुरू करने से पहले लेट्स क्विकली गो बैक एंड सी वट वी कवर ड्यूरिंग अवर लेक्चर नंबर 36, सिक्स द प्रीवियस लेक्चर ये हम क्यों करते हैं बाय द वे इसलिए ताकि हमारा वो लिंक डेवलप होता रहे साथ साथ ऑफ कोर्स ईच लेक्चर इज इंडिपेंडेंट ऑन एन इंडिपेंडेंट टॉपिक बट स्टिल वी वांट टू कनेक्ट दिस विद द प्रीवियस थिंग सो दैट थिंग शुड मूव इन अ वे ऑफ दैट वी आर कीपिंग इन टैक्ट विद अवर बेसिक कॉन्सेप्ट और ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए हर वक्त कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दैट इज मैनेजिंग द पीपल And it is not that much easy. Same time, it is not difficult, impossible, yeah. You can say it is not impossible, it is possible. But to do that, we have to get things very clear in our mind that what we are doing and why we are doing and how we should be doing it. आज का टॉपिक जो हम शुरू करेंगे पावर ऑफ पॉलिटिक्स उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था वो था पे और निगोसिएशन पे तो व्हाट इज कन्फ्लिक्ट बाय द वे एक इज समथिंग यू परसीव अबाउट अदर पीपल अबाउट अदर पर्सन अबाउट अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट दे आर ब्लॉकिंग योर गोल्स At least one part is perceiving like that or it can be this it can be just perception bhi ho sakta hai. Or we try to understand what kind of goal we are talking and goals can be tangible and intangible. And then we cover those transitions in conflict thoughts and we try to understand three different views. ट्रेडिशनल व्यू द ह्यूमन रिलेशन व्यू एंड इंट्रोडक्शन व्यू और आपको यह भी आप जहन में होना चाहिए ये तीनों व्यूज क्या थे ट्रेडिशन व्यू वाले क्या कहते हैं वॉट इज दिस स्कूल ऑफ था एंड इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज बैड थिंग एंड वी शूड डिडेड द कंफ्लिक्ट पार्ट वाइल द ह्यूमन रिलेशन व्यूज दे से दैट वी शुड एक्सेप्ट इट इज अ रियलिटी दर अदर वन इंट्रोडक्शन दे से नो वी शुड इनकरेज इट एट सेम टाइम वी शुड मैनेज इट तो इस इन व्यूज के साथ फिर हमने और क्या देखा सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं आप जब पढ़ते हो क्लास में होते हो तो आपके भी कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं ना क्या सोर्स होता है अच्छे मार्क्स मिल जाए अच्छी पोजिशन के लिए

कौन से सोर्सेस हमने देखे थे कोई याद है रोल यस दैट वाज़ द फर्स्ट वन उसके अलावा सोर्स स्केर सोर्सेस देखे थे हमने उसके अलावा हमने देखा था कि आपस में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है एंड सो मेनी अदर थिंग्स सो

लेट्स मूव। उसके अलावा यस वी आल्सो कवर द टाइप्स ऑफ कंफ्लिक एंड देन द सेकंड पार्ट ऑफ अवर प्रीवियस लेक्चर अबाउट नेगोशिएशन। हाउ टू क्रिएट हाउ टू डू नेगोसिएशन और ये भी हमने कहा कि एक अच्छे मैनेजर के लिए अच्छा नेगोशिएटर होना जरूरी है और फिर हमने नेगोशिएशन की आउटकम्स भी देखी थ्री टाइप ऑफ आउटकम्स वी कैन हैव विन लूज outcome the lose-lose and the win-win the best one so best option is the win-win situation so what about today's topic ajam power and political behavior in the organization now see these are all interrelated topics or disciplines conflict निगोसिएशन बेनिफिट से बात शुरू हुई फिर करते करते पोलिटिकल बिहेवियर की बात करने लगे हम सी हाउ देयर इंटरलिट यू नो दैट और फिर पावर का क्या रोल है उस पोलिटिकल बिहेवियर के अंदर वाई पीपल वॉन्ट टू प्ले पोलिटिकल बिहेवियर वाई दे वॉन्ट टू प्ले द पॉलिटिक्स बिकॉज दे वॉन्ट टू गेन द पावर Why they want to gain the power? Because they want to have the maximum. They want to influence other people for their benefit, for their rights, for their so many other things, for their position even. में तो इसी चीज को समझने के लिए इन दो टॉपिक्स पे आज बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे बेसिक से ताकि पता लगे ये पावर क्या चीज़ है ये पॉलिटिक्स क्या होती हैं वे नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर पॉलिटिक्स व्हिच वी हैव एनवर कंट्री लाइक political parties or such type of thing but politics and organization we are talking about. Let's start with the power. What is it? What is it? You can have the muscles and that is other power. We are talking about power in the organization. Power of a person which is affecting the other behavior of other people. Right? Do you have any? Do you think do you have a power? To influence other people. How come? And do you want some? ऑफकोर्स एवरी बॉडी वॉन्ट टू हैव पावर ये चीज़ ऐसी है, है कि हर बंदा की ख्वाहिश होती है कि यस उसकी बात भी कोई सुने उसकी बात कुछ समझे और वो जो अपने जो तो समझता है दूसरों को उसको इन्फ्लुंस कर सके सो एवरी बॉडी वांट सम पावर एटलीस्ट हाउ कैन हाउ कैन वी गेट सम कहाँ से मिलती है बाजार से मिलती है स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ से मिलती है वाट तो दीज आर द्यू थिंग्स वी शुड बी answering to ourselves when we are discussing about the power. But let's try to understand what basically power is. या वो चीज समझ आ जाएगी, तो logically then we can answer other questions too कि क्या मेरे पास है कुछ power, आपके पास कुछ power है? कैसे आसार कर सकते हैं, कहाँ से मिलती है? तो so let's try to understand first what the power is. When we are talking about power, those three terminologies may confuse or our lab I'll try to explain them here so that it should be clear. These three terms are power, influence and authority. What is power by the way? as it is written there, it is the ability to influence another person. that is power. And what is influence? The process of affecting the thoughts, the behavior, and the feeling of another person that is influence. And what about the authority? The legitimate power is known as authority, right? The right to influence another person. How can you have the right when you have the legitimate power? authority. What are the sources of organization power? Koreshe power, hof, dar, hana big power. इट एग्जिस्ट वैन वन पर्सन बिलीव एन अदर पर्सन कैन एंड विल प्रोवाइड आर विद होल्ड पनिशमेंट जब आप खतरा होता है खौफ होता है ये भी एक किस्म है ना पावर की तो ऑर्गेनाइजेशन में पावर कहाँ से मिलती है जब आपसे आप लोग डरें कि ये हमें पनिश भी कर सकते हैं या हमारी पनिशमेंट को रोक भी सकता है राइट सिमिलरली रिवार्ड पावर एन अदर सोर्स यू आर गेटिंग दैट पावर फ्रॉम द

आप देखते हैं आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक पुलिस कांस्टेबल आपको रोक लेता है वहाँ पे, आप रुक जाते हो वो इशारा करता है आप रुक जाते हैं वाई यू स्टॉप देयर बिकॉज यू नो देट अ लेटमेट पावर टू आस्क यू टू स्टॉप देयर ठीक है ना? तो वो चीज़ क्या है उसको लेजिटमेट पावर कहते हैं ये अथॉरिटी भी कहा जाता है एक्सपर्ट पावर

व द पोजिशनल पावर जिसना इसमें देख रहे हैं आप और वो पोजिशन जो है वो पावर जो फ्लो करता है थ्रू डेलीगेशन स्टाफ से नीचे नीचे से नीचे चीफ एग्जेक्टिव है उसके पास ऑफकोर्स ही इज द हर शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल वट एवर है इंस्टीट्यूशन नाउ ही हैज बाई वर्च्यू ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वट एवर इज देयर सारी पावर उसी के पास होती हैं एंड विद ऑल दो पावर ही कैन डेलीगेट दैम डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट लेवल्स उसके जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं दूसरे लेयर पर उनको वो कुछ पावर डेलीगेट कर देता है फाइनेंस वालों को फाइनेंस रिलेटेड दे देता है प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन रिलेटेड पावर डेलीगेट करते हैं मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग लेवल्स की डेलीगेशन करते हैं इसी तरह वो आगे बढ़ती रहती है नाउ ईच पर्सन एट द ईच लेवल हैव सम पावर एंड दैट पावर इज ड्यू टू दैट पोजिशन दे आर होल्डिंग दे आर ये भी एक किस्म की पावर इसको भी हम सोर्स कह सकते हैं द पावर इज बींग अटेन ड्यू टू दोजिशन एक सर्टन पोजिशन पे होने की वजह से उनके पास एक पावर है कि वो सर्टन एक्शन डिसन कर सकते हैं सही है वॉट आर द पर्सनल पावर ये तो बाकी सारी चीजें किसी खौफ खतरे से भी हो सकती हैं आपके पास सोर्सेज हैं आपके पास रिवार्ड पावर है आपके पास सारी चीजें फैसिलिटीज हैं बट वॉट अबाउट द पर्सनल पावर जैसे मैंने आपसे कहा पोजिशनल पावर हमने लास्ट स्लाइड में देखा नाउ ए पर्सन इज रिमूव फ्रॉम दैट पोजिशन दैट पावर इज गॉन दैट इज नॉट हेज आर हर पावर एनी मोर वो जो रिवार्ड वाला पावर थी अगर वो रिवार्ड वाली देने वाली कैपेसिटी जो खत्म कर दी जाए उससे वो रिवॉर्ड ले लिया जाए तो फिर उसके पास तो पावर नहीं रही सिमिलरली अदर पोजिशनल पावर्स बट वेन वी टॉकिंग अबाउट पर्सनल पावर तो चंद चीजें ऐसे भी होती हैं जो ज्यादा उसके लिए उसको एक फोर्स देती हैं कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें एंड वी कॉल इट पर्सनल पावर वट इज दर्सनल पावर देन इट कैन बी इंफॉर्मेशनल पावर ये क्या होता है द पावर दैट कम्स फ्रॉम असेस टू एंड कंट्रोल अवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एक्सपर्ट पावर दैट इज द स्किल स्किलिटीज यू हैव ये ऐसी चीज है जो आपसे कोई नहीं ले सकता द मोर एंड अपडेटेड स्किल्स यू हैव द बेटर इट इज फॉर यू सिमिलरली एन अदर कॉन्सेप्ट बींग यूज फॉर द पावर इज द इंटरपर्सनल पावर ये क्या होता है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर एंड मेंटेन कंट्रोल इसको एन इंटरपर्सनल पावर हम कहते हैं देखा आपने कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मुख्तलिफ सोर्सेस से वो पावर रिटेन करते हैं बट रिमेंबर वन थिंग द की इज द डिपेंडेंसी इफ ए पर्सन इज डिपेंडिंग ऑन बी फॉर एनी पर्पज नाउ इट विल बी इजी फॉर बी टू इन्फ्लुएंस द ए सो इट्स मीन बी गट पावर ओवर ए सो डिपेंडेंसी इज द की टू पावर एट द पॉइंट पावर क्या चीज है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कहां से सोर्स लेके पावर रिटेन करते हो लेकिन जो इसमें से हमने सारी इस डिस्कशन में से जो चीज हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं या जिस चीज को समझना चाहिए इज द डिपेंडेंसी रिवार्ड की बात करते हैं तो नाउ सी यू आर डिपेंडिंग टू अनदर पर्सन सो दैट इज ही शी हैज द पावर पावर एक्सपर्ट की बात करते हैं नाउ द अदर पर्सन अदरस एक्सपर्ट इन यू आर डिपेंडिंग ऑन हर सिमिलरली इंफॉर्मेशन पावर यू कैन सी टेक एनी परसन पावर एंड यू विल सी इट इज अ डिपेंडेंसी इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं रेफरेंट पावर हो सकता है एंड सो सोआ

पावर बेसिस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड जिस बेस से आप पावर ले रहे हो वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन जिस दिन वो खत्म हुई आपके पास पावर खत्म होगी एंड इट इज डबल एच सवार क्या मतलब हुआ है इसका दो तारी तलवार अच्छा भी है बुरा भी है पावर किसी के पास आ जाए अच्छी चीज भी उसके लिए लेकिन यही उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है पावर इज गुड यू कैन यूज इट फॉर द benefit of other people of course for yourself but समाइम people use power for to abuse others हमने हरासमेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा बाकी इस तरह की एक्टिविटी ऑर्गनाइशन के अंदर के मिस यूज ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं सो पावर इज ए डबल एज स्वाड हाउ कैन वी मैनेज पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज दिस पावर थिंग इन से उनको ऑर्गेनाइजेशन को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनना किस तरह दूसरों को पावर की बात इसलिए करें कि हमने लोगों से दूसरों से काम लेना है आपने यू रिमेंबर द बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कंट्रोल टू लीड वट एवर डिफरेंट रिसोर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल सो बेसिकली वट इज हैपनिंग यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल सो दैट यू शुड बी एबल टू गेट थिंक डन फ्रॉम अदर पीपल एज पर योर डिजायर आर दो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपके अपने पावर को मेनटेन करना है किस तरह मैनेज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सेलेक्ट क्रिजमेटिक इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी को यू रिमेंबर वन वी टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी तो क्रिजमेटिक पर्सनैलिटी की बात भी करते हैं हम हमारे आगे कुछ लेक्चर आएंगे लीडरशिप पे उसमें हम क्रिजमेटिक लीडर को भी देखने की कोशिश करेंगे वो को जो क्रिज्मेटिक क्रिज्मा होता है दैट इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल एंड इफ लकीली यू आर आरज यू हैव अ क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी दिस इज एडिशनल वैल्यू टू यू विद इफ यू हैव सम इफ यू हैव द पोजिशन यू कैन इजिली इन्फ्लुएंस अदर पीपल सोफाई ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ दी पावर इज दे शुड सेलेक्ट ए क्रिजमेटिक पर्सन पर्सनैलिटी फॉर जॉब दैट पावर जॉब और फॉर इन्फ्लुएंसिंग जॉब सेलेक्ट एंड ट्रेन फॉर डिजायर एक्सपर्टीज वट काइंडिंग यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम हिम और हर किस तरह उसने इन्फ्लुएंस करना है क्या चीज़ें उसने लेनी है उसकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग साथ हो जाए तो दैट इज एडिशनल थिंग असाइंस टू पोजिशन ऑफ अथॉरिटी तो फिर अगर आप अथॉरिटी वाली पोजिशन उनको दे देते हैं तो उनके लिए इन्फ्लुंस करना आसान हो गया दे शुड ऑल्सो हैव द रिसोर्स नाउ द रिसोर्स पावर इज आल्टेटिकली वेस्टेड ऑन डैम सो वहाँ से वो वो पावर एग्जर्ट करेंगे और वहीं से फिर वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजिंग द पावर इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें इम्पावर टू पनिश अदर्स द पर्सन हु इज मैनेजिंग द पर्सन यू बिलीव द शुड बी इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल टू गेट थिंग्स डन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ही और शी शुड हैव दिस पावर ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट उसके पास जब ये पावर भी आ जाएगी जब ये उसके पास भी आ जाएगी अथॉरिटी तो लॉजिकली इट विल बी इजी फॉर हेम आर हर टू इंफ्लुएंस अदर्स इम पावर टू रिवार द सेम थिंग या जजा और सजा का अख्तियार उसको विद इन आर्गनाइजेशन मिल गया कि वो किसी को पनिश भी कर सकते हैं और किसी को रिवार्ड भी कर सकते हैं सो नाओ इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स डन इन योर आर्गेनाइजेशन इट विल बी ईजी फॉर यू टू मैनेज योर ऑर्गेनाइेशन इन अफेक्टिव वे पावर यू कैन यूज योर पावर फॉर रिवार्ड फॉर पनिशमेंट फॉर to provide resources so automatically influencing others behavior will be easy and you should be able to get things done from other people what about personal power management that was at agnation level now what about a person let's see you want to have the power i want to have the power

The situation can then you have to be participative type of things you should be a nice person why because it can help to create build the confidence between you and your worker your subordinates your colleagues so first thing is be, be a nice person acquire and make expertise known now what does this mean that acquire and make expertise known वाई शुड पीपल लुक एट यू आपसे क्यों इंफ्लुएंस हो ऑफकोर्स एक हमने देखा कि एक्सपर्टीज पावर होते हैं अगर आपके पास उनसे ज्यादा स्किल्स हैं आपके पास उनसे ज्यादा नॉलेज है देन दे विल बी अंडर यूर इंफ्लुएंस न सो द सेकेंड पॉइंट इज यू शुड हैव मैक्सिमम मैक्सिमम एफर्ट देर टू एक्वायर एक्स्ट्रा नॉलेज एंड स्किल्स एंड नॉट ओनली दैट यू शुड एक्वायर इड बट मेक श्योर दैट अदर पीपल आर सो नो इट तभी तो वो आपसे आपके इंफ्लुएंस में आएंगे ना तभी तो वो आपकी बात मानेंगे तभी तो आपके वो जो है पावर को समझेंगे खाली होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरों को मालूम भी होना चाहिए उसका सो दैट इज द पॉइंट बेसिकली सो नंबर टू इज Acquire and make expertise known. You extra expertise and skills also know this he knows these, these these things. Acquire and make resources known. Same thing. This is what we are talking about the personal power management. Acquire resources. You should have resources so that people should. Be. This is another source of power.

और मेक श्योर sure के दूसरों, दूसरों को मालूम भी हो कि जिस वक्त जरूरत होती है यू आल्सो यूज द अथॉरिटी। शो एबिलिटी टू प्रोवाइड और विद होल्ड नाउ यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द रिसोर्सेज आल्सो शो टू योर कोलिग योर सुबारिंग नेट दैट्स येस ऑफकोर्स विद इन लीगल फ्रेमवर्क You can provide them or withhold those rewards. Show ability to provide or withhold punishment. Similarly, the punishment part if you are nice, if you have acquired extra skills, extra knowledge, and people know it, if you have the authority. And you are using it at the right time and proper time, and other, pe persons, other people know that you have the authority. You, you, have, you have to show your abilities to provide or withhold reward or punishments. So, logically, then it will be easy for a person to manage the power. But remember, it is. दो ताड़ी तलवार जिसको कहते हैं ना कि द, डबल एज स्वाड जिसे कहा था हमने तो कैसे हाउ कैन यू मेक श्योर कि आप एथिकली उसको राइट right यूज कर रहे हैं पावर को उसका बेजा इस्तेमाल अब्यूज में आ जाता है एंड हाउ कैन वी यूज पावर एथिकली एंड यू नो वट आर एथिक्स द नाम द वैल्यूज एंड इफ यू आर यूजिंग ए पावर टू योर सेल्फ द बिहेवियर प्रोड्यूस ए गुड आउटकम फॉर पीपल बोथ इन साइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो आपने पावर यूज़ किया जो आपका बिहेवियर है क्या इसका फायदा हो रहा है इन हाउस एंड आउटसाइड डज द बिहेवियर रिस्पेक्ट द राइट ऑफ ऑल पार्टीज जो भी इसकी अफेक्टिस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आपका जो पावर यूज़ किया आपने डज द बिहेवियर रिस्पेक्ट द राइट ऑफ ऑल पार्टीज एंड डज द बिहेवियर ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वटेबली एंड फेयरली बायसनेस तो नहीं इसमें फेवरेटिज्म तो नहीं है बट दैन इट इज एथिकल पावर यूज सो वे कैन से दे आर टू फेसिस ऑफ पावर इफ़ यू आर यूजिंग पावर फॉर द पर्सन कैन दैट इज़ अ बैड फेज कैट फेज अनएथिकल बिहेवियर है ये अनएथिकल यूज़ ऑफ पावर है बट इफ यू आर यूजिंग फॉर द सोशल पर्पज इसका फायदा है टू क्रिएट मोटिवेशन एंड इट इज़ यूज टू अकाम्पलिश गोल्स ऑफ आर्गनाइजेशन सब का फायदा है उसमें तो यू डिट व इट इज एथिकल यूज ऑफ द पावर अगर पर्सनल गेन के लिए किया दैट वॉज अनएथिकल तो जब तो हम पावर को डिस्कस करते हैं तो कभी कभी ये इसका भी कहते हैं कि दे आर टू फेसिस ऑफ पावर इफ यू आर यूजिंग पावर इफ आर यूजिंग इज राइट एथिकली दिस इज राइट गुड फेस स्माइलिंग फेस इफ यू आर यूजिंग ओनली फॉर पर्सन गेन एट द कास्ट ऑफ अदर पीपल इट इज ए बैड फेज इट इज अनएथिकल बिहेवियर तो बात कहाँ पर पहुंची ये इन्फ्लुएंस पावर सबका मकसद क्या है टू कंट्रोल थिंग्स टू मैनेज थिंग्स, टू मैनेज पीपल्स बिहेवियर टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ योर वर्क फोर्स वाई टू गेट द डिज़ायरेबल रिजल्ट एंड दैट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इन एफिशिएंट एंड एफेक्टिव वे तो उसी को हम पावर टैक्टिक्स का नाम भी देते हैं ये क्या चीज़ है

तरीके हैं मुख्तलिफ पावर यूज करने के ताकि आप अगलों का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें उसको कंट्रोल कर सकें वी कॉल देम पावर टैक्टिक्स इसी से एक चीज नई ओरिजिनेट होती है जिनको हम ऑर्गेनाइजन पॉलिटिक्स कहते हैं सो आई बिलीव दिस पावर पार्ट इज क्लियर राइट सो व्हाट इज पावर हाउ कैन यू गेट पावर डू यू हैव नाव एनी पावर तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब हम पावर को डिस्कस कर लेंगे तो फिर आपको सटन क्वेश्चन को आंसर करना आसान हो जाएगा कि डू यू हैव एनी डू यू वॉन्ट एनी मोर कहाँ से मिलेगा आपको यस वही सोर्सेज को स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना पड़ेगा रिसोर्स को कट्ठा कर एक करना पड़ेगा अथॉरिटी लेनी पड़ेगी लजिटमेट पावर कहीं से पोजिशन की वजह से भी आपको पावर मिल सकती है एंड सो ऑन सो नाउ आई बिलीव पावर इज क्लियर शुड वी शिफ्ट टू पॉलिटिक्स नो आई एम नॉट सेफ्ट टू पॉलिटिक्स शुड वी डिस्कस पॉलिटिक्स वी टाकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स क्या चीज है ये किसना डिफाइन करेंगे इसको

power tactics. this is a political tactic rather. politics is a cat organization. so what is political behavior then? activities that are not required as part of one's formal role. yeah, jo formal activity also may require and sometimes it might not be allowed. illegal job use, cartio. manipulation tactics, use they are not desired. they are not required in the organization. but that influence or attempt to influence the distributions of advantages, एंड डिसवान विद इन आर्गनाइश आप अपने मतलब की बात करने के लिए अपने मतलब की उस एक्टिविटीज़ को ओरिजिनेट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ मेनवरिंग करते हो उसको पोलिटिकल या पॉलिटिक्स कहते हैं या पोलिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं या आर्गेनाशन पॉलिटिक्स उसको हम बोलते हैं या पोलिटिकल बिहेवियर उसको कहा जा सकता है पोलिटिकल बिहेवियर्स इन आर्गेनाइजेशन आर्गेनाशन पॉलिटिक्स द यूज ऑफ़ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन आर्गनाइजेशन अब देखिए वही कहाँ से वो पॉलिटिक्स कहाँ से शुरू करेगा यूज़ करेगा इंफ्लुंस करना पावर को यूज़ कर सकता है किसी वक्त लिंक को यूज़ कर सकता है रिक्वेस्ट करके एक्सप्लाइट करके मिनोर करके वो अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने की जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का नाम देते हैं ना पॉलिटिकल बिहेवियर एक्शन नॉट ऑफिशियली सेंक्शन एंड रिमेंबर जैसे मैंने शुरू में कहा दोज एक्शंस दोज बिहेवियर पार्ट मे नॉट बी ऑफिशियली अलाउड बाई एन आर्गनाइजेशन दैट अट टेकन टू इन्फ्लुंस अदर इन ऑर्डर टू मीट वंस पर्सनल गोल पर्सन कैन बी ए पर्सन और ग्रुप गोल भी कह सकते हैं जब एक रोलेशन बन जाती है आपस में चंद लोग मिल के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं ऑर्गेनाइशन फैक्टर्स डैट कंट्रीब्यूट टू पोलिटिकल बिहेवियर क्या सिचुएशन क्या इन्वायरमेंट ऐसी होती है कि जहाँ पर ये पोलिटिकल बिहेवियर ज़्यादा प्रिवेल कर जाता है उस चीज़ को समझते हैं अगर वो चीज़ समझ आ जाए जा, उसको कंट्रोल कर लेंगे तो वी कैन

which are not only bad for for the the person, persons but of course for the organization too. When there is low trust among people working टू वेन देर इज लो ट्रस्ट अमंगज टू गो टू वर्ड पोलिटिकल बिहेवियर डेमोक्रेटिक डिसीजन बड़ी अजीब सी बात है ना अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं वो क्या होता है एंड देट से दीज अथॉरिटी अगर हर वक्त डिसीन इस तरह हो के के जितने ज्यादा लोग इसकी तरफ आएंगे वो हम डिसीजन कर लेंगे तो अल्टीमेटली लॉबिंग शुरू हो जाती है फिर तो देन इट इज क्लब एक्टिविटी विच इज ऑल्सो डेंजरस वो लॉबी से वो एक्टिविटी से वो लॉबी जो क्लब एक्टिविटी से क्या होता है फिर देन पीपल इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दी बेसिक मिशन और बेसिक गोल दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर द पर्सनैलिटीज किसने ये बात की अच्छा मेरे ग्रुप ने बात की है सारे कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी दूसरे के ग्रुप ने बात की है दो इट इज ए मिलियन डॉलर आइडिया मे बी इट इज वेरी गुड फॉर बट से नो बिकॉज इट इज बींग सेट बाई अदर पर्सन अपोज़ इट तो अमूमन जिन जगहों पर आप एक डेमोक्रेटिक वे से जहाँ पर मेचॉरिटी अथॉरिटी होता है अगर डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो फिर अल्टीमेटली आस्ता वहां भी पोलिटिकल मिनोरिंग और बिहेवियर प्रिवेल करना शुरू हो जाता है दैट इज कैन बी अन रीजन लेट्स सी अदर वन लेट्स सी द नेक्स्ट वन हाई परफॉर्मेंस प्रेशर

रोल एम्बिग्यूटी वेन थिंग्स आर नॉट क्लियर नो बॉडी नो दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट और हुई इज हु इज आंसरेबल टू वट होम तो फिर हर कोई मैनोरिंग शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है सिमिलरली अगर सीनियर मैनेजमेंट इज नॉट इन्वॉल्व एट द ग्रास रोट लेवल एंड दे जस्ट दे आर बादरिंग अबाउट देयर ओन एक्टिविटीज एंड बेनिफिट्स दैट्स इट फिर नीचे जो क्योंकि नो बॉडी इज मॉनिटरिंग दम नो बॉडी इज कंट्रोलिंग दैम

तो लेट्स डू समू दैट दिस पोलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट देयर द पॉलिटिक्स प्रिवेल देयर जीरो सम एलोकेशन यहाँ पर क्या है कि मुख्तफ लेवल्स पर आप डिसाइज करते हो डेलीकेट करते हो अथॉरिटी और रिसोर्स को मुख्तलिफ लेवल पर दिया जाता है अगर तो वैसा तो तो नहीं है वन मैन शो है तो फिर आस्ता आसा फिर पॉलिटिक्स शुरू होती है कि नहीं इससे किसी तरह निकाला जाए ताकि हम लोगों को भी रिसोर्सेज मिलें हमें भी एलोकेट हों कोई चीज़ें ताकि हम भी आगे इन्फ्लुंस कर सकें दैट कैन ऑल्सो काज दी

ग्रुप की बेनिफिट की बात भी कर रहे होते हैं या इवन यू वांट डिजायरेबल सो दैट इज व्हाई यू वांट टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल सो सी दिस ऑल थिंग्स आर लिंक्ड इन्फ्लुएंस पावर अथॉरिटी द पॉलिटिक्स द टैक्टिक्स फॉर द बॉटम लाइंस यू वांट डिजायरेबल रिजल्ट्स सो लेट्स सी हाउ People influence, हाँ influence करते हैं क्या कोलीग को करते हैं क्या बॉस को कर सकते हैं आप या याबॉर्डिनेट्स को so, influencing tactics में क्या use होता है या देखें, तीन outcomes है. Consultation से भी आप कर सकते हैं रैशनल से भी कर सकते हैं डिफरेंट आपको टेक्निक्स बताई गई बताई गई इंस्पायर करके भी कर सकते हैं अपील करके भी कर सकते हैं एक्सचेंज टैक्टिक्स भी कर सकते हैं प्रेशराइज करके भी कर सकते हैं देर डिफरेंट रीज़न डिफरेंट टैक्टिक्स डिफरेंट अप्रोचेज टू इन्फ्लुएंस होम अपर्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है पास को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं सो so देट वो भी रिवार्ड्स प्रमोशंस प्लेसमेंट और वट एवर डिसन यू वांट फ्राम हिम और हर एक टू योर ओन डिजायर बैक भी कर सकते हैं इन्फ्लुएंस भी लड़ा सक, किसी से करवा भी सकते हैं परसुएट कर सकते हैं सिचुएशन ऐसी बना सकते हैं कि यस yes, खुद बहुत हो जाए एंड वो एक लिस्ट है सारी आपको साथ नजर आ रही सिमिलरली लेटर इन्फ्लुएंस भी हम कहते हैं जिसे हम को वर्कर को इन्फ्लुएंस करते हैं आप हाउ यू डू दैट अगेन कंसल्ट करके डिस्कशन के उनके साथ उनको कन्विंस करते हैं रैशनल परसुएशन करते हैं एक रीजन दे के इंस्पायर कर सकते हैं उनको मोटिवेट करके जज्बाती इमोशनल कई दफा इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करते हैं लोग और एक्सचेंज भी कर सकते हैं ओके यू डू दिस थिंग फॉर मी आई विल डू दिस फॉर यू या प्रेशराइज भी करा सकते हैं Similarly you can influence the, your subordinate, that is a downward influence. Why you want to influence your subordinate? Let us see they do not agree, you have to pursue them, you have to pressurize them sometime to get desired behavior. That is how this is working, you can use different tactics, different approaches to influence. So, these are the different tactics you use to influence all three directions, upward, lateral and downward. Characteristics of political process, they can political process what is it? to keep the balance in power and influence, to obtain power so that you should influence others to get your desired results and there are dark sides of organization politics too. इसके ऑफ कोर्स पीपल कैन यूज दो पॉलिटिक्स और एक्टिविटी पोलिटिकल एक्टिविटीज फॉर बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप आर ऑर्गेजेशन विदाउट इफेक्टिंग अदर्स बट देन देर आर डार्क साइड्स टू वो क्या है एक तो लोग झूठ झूठ बोलना शुरू करते हैं लाइंग डिसेप्शन रिसीव करते हैं दूसरों को आर इंटिपटेशन और एक अजीब सा सियासिए क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खौफ डर परेशानी हर वक्त स्ट्रेस बढ़ जाती है So that is the dark side of organizational politics. Let's see some ethical guidelines for political behavior in the organization. Ask question to yourself. Question number one: Is the action motivated by self-serving interest which exclude the goals of the organization? If the answer is yes, so it is unethical behavior. If the answer is no, then ask another question to yourself. Question number two: Does the political action respect individual's right. so if the answer is yes, then the ask another question. but if the answer is no, no, it is not affecting any personal rights, then this. the question is does the political action respect individual rights? if the is answer is yes, it is toward ethical part. if the answer is no, it is disturbing some, it is affecting some personal rights, though it is unethical. so if your answer was yes, then ask question number three to yourself. Is the political activity fair and equitable? If the answer is no, it is unethical. If the answer is yes, it is ethical. So generally, three, just three questions to yourself, and you can figure out that the you maneuvering your politics are ethics, ethical or unethical. So very clear. Now how imply responses to organization politics? It's a Ki effect hota hai? बिकॉज इफ दे यू हैव मोर पॉलिटिक्स इट योर वर्क प्लेस देन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अंदर वर्क पीपल आर इन्वाल इन डिफरेंट एक्टिविटीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज सो इट विल डिक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन पीपल विल बी स्केयर वो देखेंगे यार ये तो पता नहीं क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रही दिस इज नॉट ए फॉर्मल थिंग्स ये किसी रूल्स के तहत तो नहीं और इससे एंजाइटी बढ़ सकती है स्ट्रेस बढ़ सकती है टेंशन हो सकती है एंड नैचुरली इट विल इंक्रीज द टर्न ओवर पीपल वे सेव आई कैन नॉट वर्क इन दिस एनवायरमेंट वहां तो हर वक्त टेंशन है हर वक्त एक अजीब सा माहौल है सो so, Turnover will be increased, and ultimately, what is going to happen? The performance will be reduced, the productivity of the organization will suffer. So, this is the negative aspect, of course, with politics. This is how people respond they lose interest, they are not satisfied with the, their work, they are not certain what is happening, and that can increase the anxiety and ultimately turnover will be high and the bottom line is the productivity of organization will decrease. How to manage political behavior in the organization? Maintain open communication so nothing should be hided. no clicks, no these type of activities, everything should be open. You should maintain open communications, interact with people, clarify performance expectations yes, we mean business. not only that, that people will come and show up only and then they feel we are safe. no. you should have a very clear performance standards. use participative management. involve people in the decision making. but not democratic way, majority is authority. get the input from each, everybody and then make your decision. show your authority. encourage cooperation among work groups. create environment where each person will help each other. It should be a cohesive team and manage your scarce resources well. Make sure that if a thing is required, they should get timely, even if you have the scarce resources. Provide a sport, sportive organization climate. Consider yourself as a facilitator, and people should know that if they have a problem, they should come to you and ask you, and you should be supportive. Encourage them, motivate them, and then the, you, can, you should be able to minimize these politics in the organization. I think enough for today. Hope you understood this, this concept of power and politics in the organization. Let us quickly go and summarize it. Power and political behavior, what about power? And we try to understand and try to understand this difference of power among power, influence, and authority. Power is the ability to influence another person. Influences the process of affecting the thoughts, behavior, and feeling of other person, and authority is the legitimate power. Then we try to understand the sources of organization power, the reward, the position, the information, the expertise, and so on, and how to manage organizations' power. And then after that, we try to understand how to manage even the personal power. And after that, we Try to understand the ethics, ethical, ethical part of the power, how to use power ethically, and then power tactics. And the second part of this discussion was about agnostic politics. And I believe now you are clear about these things. And why it is happening? Because people want to acquire powers. Why people use politics? Because they want to get things done from other people. They want desirable results and they acquire power to influence other people to get desirable results. That was all about today's lecture. And in our next lecture, we will try to cover the rights, the implies right and discipline. Let's stop it here, and I hope okay you will work hard and read it for the next topic before we will come for the next lecture thank you allah hafiz and assalamu